प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, प्रार्थना है और परमेश्वर के वादे हैं हमारे और आपके लिए, और उसके वादे बहुत सारे हैं। पल पल वो हमसे बातें वादे करता है, वचन देता है, लेकिन हम और आप फिर भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता आज इस सुंदर वचन के लिए। पिता, तेरे दास पिता परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित है प्रभु। हर अपराध हर गलती को तू क्षमा कर पिता प्रभु। निकलता हर वाणी तेरी ओर से होती है, पूरी होती पिता। सिर्फ तू क्षमा कर, राज वचन और वादे के अनुसार हमसे बातें करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वादे पवित्र बाइबल में लिखे हैं, जो हमें और आपसे उन्हें कर दिए हैं। वादे यानी कि उसके प्रॉमिस बहुत है। वो मनुष्य नहीं है जो मैं धोखा दे या मैं छोड़ दे या मैं तिरस्कार करें या हमें नामधराई होने दे। अगर हम उसके वादे पढ़े तो पूरी बाइबल में उसके वादे हैं, और काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि पल हर पल करता है। लेकिन जो वचन प्रभु ने मुझे और आपके लिए दिया है, उस वचन के अनुसार परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। तो निकालेंगे हम व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 और 8 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तू ह्या पान दृढ़ हो जा, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हुआ है, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। पहला उसका वादा है कि परमेश्वर ना तो हमें धोखा देता है ना छोड़ देता है। लोग हमें छोड़ देते हैं बीच में, रास्ते में, चाहे हमारी कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, छोड़ देते, धोखा देते। यहाँ प्रभु का वादा है कि वह तुझको ना तो धोखा देगा ना छोड़ेगा। फिर आगे 8वें पद में क्या कहता है? और तेरे आगे के चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरा जो परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे सदैव रहता है। वचन कहता है कि जगत के अंत तक सदैव वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो वचन कहता है व्यवस्था वरण 31 का 8 में लिखा है कि तेरे आगे चलने वाला यहोवा है वह तेरे संग रहेगा, वह ना तुझे धोखा देगा ना तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ मेरे जीजो, आज आपको लग रहा होगा कि मुझे बीमारी में छोड़ दिया है, मुझे परेशानी में छोड़ दिया है, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं पाप में हूँ, मैं अधर्म में हूँ, मैं बुरे रिश्ते में हूँ, मैं कौन मुझे बचाएगा, क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया? नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर ने वादा करा है आपसे, हमसे, हम सब से कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। तेरा मन कच्चा ना हो और मत डर। परमेश्वर का वादा है, प्रभु कहता है मत डर। परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे वादे करे हैं मेरे जीजो, और वचन कहता है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या कहता है? सुनता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:5 में कि तेरे जीवन भर कोई तरह से ठहर ना सकेगा, इसका वादा है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वादा कि वो हमें पावरफुल करता है। हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें पापों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। उसके वादे बहुत सारे। वचन कहता है कि तेरा मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हाँ मेरे अजीजों, आज हम नानधराई में आपके ताने लग रहे होंगे, हम नाना प्रकार की मुसीबत में, लेकिन परमेश्वर के वादे को याद करें जो आपने कहा है, जो प्रभु ने आपके लिए कहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपका हाल बुरा है, आपको कोई नहीं देख रहा, आपको डिप्रेशन है, आपको लग रहा है कि कौन मुझे बचाएगा, कि मेरा और आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। वचन कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा, ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। आज ये परे दिमाग में बिठा लो। वचन कहता है कि माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी हमें नहीं भूल सकता, कभी हमें छोड़ नहीं सकता। आज ये वादे है उसके मेरे जीजो, परमेश्वर के प्रॉमिस है आपके लिए। आपको लगता है दुनिया ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, मेरे पत्नी ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे घर वाले ने, मेरी सेहत ने छोड़ दिया, मेरे पैसों ने मुझे छोड़ दिया। हाँ ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर नहीं छोड़ेगा आपको। वो आपका हाथ पकड़ के खींच के निकालेगा। आप चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी में हो, कितने भी परेशानी में हो, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, ना तो तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर जब हम वचन में कहते हैं तो 8वें पद में कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके करने के अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा कहीं करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वचन कहता है एक और कि
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह पान तीर्ण हो जा भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जा तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वह तेरे संग रहेगा। आज आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ रह रहे हो, जिधर घूम रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे जो पाप से आज़ाद करने वाला परमेश्वर, उसका वादा है कि कोई गुनाह हमें रोक नहीं सकता, हालेलुया, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, हमारे बंधनों को तोड़ डालता है। यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। आज उसके वादे, आज उसका वादा अपने दिमाग में बिठा लो कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। देखो एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे और आपसे क्या वादे करता है। ये वादे है उसके जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए करे हैं। यशया 49 का 14 पद लिखा है, परंतु सियों ने कहा, यहोवा तो मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हाँ, जब हम परेशान होते हैं, हाँ हम जब लाचार होते हैं, हाँ हम जब दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं, या हम पाप कर चुके होते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारा कोई प्राश्चित नहीं, अब हमें मरना पड़ेगा, अब हम मर जाएंगे, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब हम प्रभु हमें भूल गया, उन्होंने छोड़ दिया, तो ये वादे, ये वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने तो मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या हो सकता है कि कोई मात अपने दूध पीछे बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के को दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे अज़ीज़ो, परमेश्वर ने अपने हाथों में, दोनों हाथों में हमारे चित्र को बना रखा है, उसका वादा है, उसके वादों को याद रखना। आज किसी भी कंडीशन में आप हो, ये वचन आपको ताकत कुवत दे रहा है। ये वचन ये कह रहा है आपके लिए कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर तुझे नहीं भूला, तुझे नहीं छोड़ा, तुझे नहीं त्यागा, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, वो तेरे साथ है हमेशा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा तूने हमारी आंखें खोली। आज बहुत से लोग पिता टूट गए थे, बिखर गए थे, आज बिल्कुल आत्महत्या का घर पे थे, पैसे नहीं थे, बीमारी थी, गरीबी थी, लड़ाई झगड़ा था, शैतान था, अंधकार था, पाप था, लेकिन इस बीच में ये वचन को ताकत दे रहा है, ये वचन उनको हिम्मत दे रहा है, ये वचन की सामर्थ्य को बढ़ा रहा है पिता, क्योंकि आपके वादे हैं पिता कि आज आपने हमसे वादा करा है कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, नहीं भूलेंगे, आप हमें गड्ढे से निकालेंगे, हमें चंगाई देंगे, आप हमें चंगाई करता हो, उद्धार करता हो, आप हमारे सब कुछ हो पिता। आपने कहा है कि जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करेंगे। आज बहुत लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तू सहायता कर पिता। आज इस प्रार्थना के द्वारा तूने हिम्मत दी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ताकत कुवत दी और इनको बाहर निकाला इस मुसीबत से, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन के द्वारा अगर प्रभु आपसे बात करिए तो जरूर बताना कमेंट में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर चाहा पर उन्हें फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।